देखिए दोस्तों, मेरा चिकन सूखा चिकन का मसाला वाला रेसिपी पूरा रेडी है। तो पूरा आज हम कुकिंग में चिकन बनाने वाला हूँ। मैं बहुत दिन बाद अपना चैनल में चिकन का रेसिपी डालने वाला हूँ। मतलब मेरा चैनल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चिकन का ही मिलेगा, लेकिन मैं बहुत ही से नहीं डाला तो मैंने सोचा आज फिर से बनाया गया चिकन। तो मैं 500 ग्राम चिकन लिया हूँ। मैंने अच्छा से इसको 6-7 बार धुलाई कर लिया हूँ चिकन में। और मैं 2 आलू लिया हूँ, बड़ा बड़ा साइज़ का। 2 आलू को मैंने 4-5 फल्ला में कट कर लिया हूँ। ये प्याज है, 2 प्याज बड़ा बड़ा, ये हम छोंक में देंगे। और मसाला आपको दिखा देते हैं, ये लहसुन और अदरक है, और ये 2 प्याज है, ये तीनों चीज़। और इसमें थोड़ा जीरा ऐड करके हम पीसेंगे। तो चलिए आपको मिक्सर में डालते हुए दिखा देते हैं, बाकी आपको पूरा कुकिंग करना दिखाएंगे। और दोस्तों, ये चिकन जो है ना, झोल वाला नहीं बनेगा, ये सूखा टाइप का बनेगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, देखिए मैं कुकिंग कैसे करता हूँ। ये देखिए, प्याज डाल दिया हूँ मिक्सर में। आप चाहे तो सिलपट्टा में भी पीस सकते हैं। और दोस्तों, मेरा चैनल पर नया है तो सब्सक्राइबर कर दीजिएगा। और जिस जिसने किया उनको बहुत बहुत थैंक यू। आप सब्सक्राइबर करके रखेंगे, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करेगा आपको तुरंत मिल जाएगा। थोड़ा सा हम जीरा भी डाल दिए, जीरा पाउडर ऐड नहीं करेंगे, तो इसलिए इसका भी थोड़ा पानी डाल के इसको पीस लेते हैं। देखिए दोस्तों, कढ़ाई भी चला दिया और गर्म हो चुका है, तब तेल डाल देते हैं। पहले हम आलू को फ्राई कर लेंगे। तेल डाल दिए। और दोस्तों, जो वीडियो आप मेरा यूट्यूब में देखते हो, वो वीडियो मेरा फेसबुक फेस पे भी आपको मिल जाएगा, तो उधर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया, फिर आलू फ्राई करेंगे। देखिए तेल को गर्म हो गया, इसमें हम आलू छोड़ देते हैं। आलू फ्राई हो गया, निकाल देते। अभी एक प्लम तेज पत्ता डालेंगे, तेज पत्ता डाल देते। 2 तेज पत्ता है, थोड़ा सा जीरा, आप प्याज डालेंगे इसमें। प्याज को 2 मिनट फ्राई होने देंगे पहले। प्याज को फ्राई होने देते हैं। प्याज फ्राई हुआ, थोड़ा सा ही फ्राई फ्राई किया, ज़्यादा नहीं। मसाला पिसा डाल देते हैं, आधा लहसुन, प्याज, जीरा, चारों जो पेस्ट बना लिया हमने, चारों लहसुन भी, बहुत सारा मसाला लगा हुआ है, थोड़ा सा पानी डाला है, एकदम थोड़ा इसको मिला देते हैं अच्छे से। मिला के इसमें मसाला डालते हैं, जो पाउडर मसाला है, 1 चम्मच नमक डाले, 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि तो हल्दी पाउडर से कड़वापन आ जाता है, इसलिए हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालने का। मिला लेते हैं, अभी इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, आपको तीखा जितना पसंद है उस हिसाब से। एक चम्मच और थोड़ा सा लेंगे, 1 चम्मच और आधा, हल्दी, धनिया पाउडर डालेंगे, मैं आइडिया से लिया हूँ, 1 चम्मच पूरा। अभी थोड़ा चिकन मसाला, ये देखिए चिकन मसाला,
आप चिकन मसाला का जगह में गरम मसाला दे सकते हैं और इसको अच्छे से मिला लेंगे मसाला को। इसको दो मिनट फ्राई होने देंगे बिना, फिर इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन डाल दिए, इसको दो मिनट फ्राई करेंगे। आप गैस को कम ही रखेंगे, तेल कम गैस में फ्राई बने होगा। आलू को भी डाल देंगे, फिर आलू भी पकेगा। फिर मैं इसमें पानी ऐड करने वाला नहीं हूँ। गैस को कम कर दिया है। देखिए दोस्तों, तो आप चिकन मेरा अच्छा से पक गया है। ठीक है, मैं एकदम गैस कम करके इसको फ्राई किया। पूरा रेसिपी रेडी है, बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी चिकन हमारा रेडी है पूरा। बाय दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरा चिकन सूखा चिकन का मसाला वाला रेसिपी पूरा रेडी है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय दोस्तों।